आज की ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस मैच की, जो मैच टीम इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति वाला मैच बन गया था। उसी मैच के दौरान एक लम्हा ऐसा आता है जहां सौरभ गांगुली बल्लेबाजी कर रहे थे और बॉलिंग पे था चमिंडा वास, जहां चमिंडा वास की गेंद पर गांगुली मिड ऑन पे कैच दे बैठते हैं और फिर तो गांगुली को आउट करके चमिंडा वास खुशी से पागल हो उठा था और वो गांगुली को मुक्का दिखा करके अजीब तरीके से गांगुली पे अग्रेशन दिखाया जा रहा था। लेकिन तभी मैच में आता है एक ट्विस्ट और अंपायर ने उस गेंद को नो बॉल घोषित कर दिया। अब तो चमिंडा वास का वो हाल हो चुका था जैसे मानो काटो तो खून ही नहीं। अब तो भैया गांगुली को जीवन दान मिल चुका था और अब बारी चमिंडा वास के उस अग्रेशन की हेकड़ी निकालने की थी। और जब टीम इंडिया के दादा सौरभ गांगुली ने चमिंडा वास को वास करना शुरू किया था तो गांगुली के तूफान में निस्ते नाबूद हो गया था चमिंडा वास और दादा के दहशत से कांप उठा था पूरा श्रीलंका। दिल को दहला देने वाली दादा की इस तूफानी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक और थ्रिलर मैचों की कहानी हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं सौरभ गांगुली के बल्ले से चमिंडा वास की वासिंग की इस धमाकेदार कहानी को। भारतीय टीम के लिए ये मैच किसी भी हाल में जितना बेहद जरूरी था, क्योंकि भारतीय टीम अपने ग्रुप में शुरुआती के तीन मैचों में से दो मैच हार चुकी थी, इसलिए डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के सामने टीम इंडिया की हालत करो या मरो की स्थिति वाली हो चुकी थी। इसीलिए टीम इंडिया पूरे जोश और जुनून के साथ इस मुकाबले के लिए टोंटोन के मैदान पर दस्तक देती है, जहां श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीत करके भारतीय टीम से ये कहा कि पहले आप बल्लेबाजी कर लो। और श्रीलंकाई कप्तान का ये फैसला काफी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि भारतीय पारी की शुरुआत करने आए सदा गोपन रमेश को चमिंडा वास ने महज 5 रनों पे आउट करके भारत को पहला झटका भी दे दिया था। तब भारतीय पारी की डूबती नैया को निकालने और सौरभ गांगुली का साथ निभाने राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी ही वीरता से भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और देखते ही देखते टीम इंडिया ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खो करके 62 रन स्कोरबोर्ड पर भी लगा दिए थे। शुरुआती झटके से निकलकर टीम इंडिया धीरे धीरे इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने लगी थी, लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने इस पूरे मैच का रुख ही पलट करके रख दिया। चमिंडा वास की गेंद पर गांगुली कैच आउट हो जाते हैं और फिर चमिंडा वास का वो सेलिब्रेशन और गांगुली को मुक्का दिखाकर अग्रेशन दिखाना, ये सारी चीजें चल ही रही थी कि तभी अंपायर ने उस बॉल को नो बॉल करार दे दिया, जिससे गांगुली को तो जीवन दान मिल चुका था लेकिन चमिंडा वास ने जिस अंदाज में दादा को अग्रेशन दिखाया था दादा ने उस बात को दिल से ले लिया और फिर शुरू हो जाता है बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली का तांडव। गांगुली ने चमिंडा वास को आड़े हाथों में लेते हुए प्रहार करना शुरू कर दिया था। दादा आगे बढ़ बढ़ करके चमिंडा वास की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजे जा रहे थे और गांगुली की तूफानी बल्लेबाजी से टोंटोन का ये मैदान पूरी तरह से दहल उठा था और चमिंडा वास के साथ साथ श्रीलंका के सभी गेंदबाज उस तूफान में ध्वस्त होने लगे थे। वहीं दूसरी छोर से राहुल द्रविड़ भी बढ़ चढ़ करके गांगुली का साथ निभा रहे थे। आम तौर पर टेस्ट स्पेशलिस्ट और धीमी बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले राहुल द्रविड़ भी आज तूफानी करने के मूड में थे, इसीलिए अब दोनों छोर से राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के धागे खोलने शुरू कर दिए और इसी के बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शतकीय साझेदारी बनती है और साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये पारी आगे बढ़ती है द्रविड़ और गांगुली के इस तूफान ने अब सुनामी का रूप धारण करना शुरू कर दिया था। इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से श्रीलंकाई कप्तान राणा तुंगा हैरान होकर के परेशान हो चुका था, लेकिन इसका तोड़ श्रीलंकाई कप्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
जब श्रीलंका के तेज गेंदबाज बुरी तरह से मार खाने के बाद पूरी तरह से विफल हो चुके थे, तब रणातुंगा ने अपने सबसे बड़े हथियार मुथैया मुरलीधरन को बॉलिंग अटैक पर बुलाया। पर आज गांगुली की इस अदालत में मुथैया मुरलीधरन के लिए भी माफी की कोई जगह नहीं थी। गांगुली ने आगे बढ़ बढ़ करके मुरलीधरन की गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राहुल द्रविड़ ने इस वर्ल्ड कप में लगातार अपना दूसरा शतक 102 बॉलों में पूरा कर लिया। उधर दादा सौरभ गांगुली भी तू डाल डाल तो मैं पात पात वाला खेल राहुल द्रविड़ के साथ खेल रहे थे। गांगुली ने भी तूफानी अंदाज में अपना शतक पूरा किया और जब इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने शतक पूरे कर लिए फिर तो मैदान में चौके और छक्कों की बमबारी सी होने लगी थी। यहां से गांगुली ने मात्र 24 बॉल में 50 रन ठोक डाले। हालांकि 145 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद राहुल द्रविड़ रन आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी छोर पर गांगुली की बमबारी अभी भी श्रीलंकाई गेंदबाजों पे कहर बरसाई जा रही थी। गांगुली एक छोर से बाउंड्री की बरसात पे बरसात किए जा रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर टीम इंडिया बैक टू बैक अपना विकेट भी खोते जा रही थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर 2 रन बनाकर, अजय जडेजा 5 रन बनाकर और रॉबिन सिंह तो बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस जा चुके थे। लेकिन गांगुली ने अपने बल्ले से आग बरसाते हुए 8 बड़े बड़े छक्के और 17 चौके की झड़ी लगाते हुए 183 रनों की शानदार लाजवाब और तूफानी पारी खेल डाली थी। गांगुली की इस बेहतरीन आतिशबाजी बल्लेबाजी के कारण भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 373 रनों का एक विशालकाय पहाड़ सा टारगेट श्रीलंका के सामने रख दिया था और जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी बढ़ चढ़ करके अपना साथ दिया और श्रीलंका की पूरी पारी को महज 216 रनों पर ही समेट करके रख दिया और भारत ने 157 रनों के एक बड़े से टारगेट के साथ इस मैच में फतह का झंडा लहरा दिया था। तो श्रीलंकाई कप्तान रणातुंगा और मुथैया मुरलीधरन को तहस नहस कर देने वाली गांगुली की इस लाजवाब पटाखेदार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।